Welcome back to my channel. This is Sana and you are watching Sana Vlog. So in this video, actually ये एक get ready with me video है, पर ये get ready with me तो मैंने 2 महीने पहले कर लिया था. तो फिर ये makeup मेरा recreation of my own makeup which I did before 2 months. हाल ही में मेरा cousin का wedding हुआ था, मतलब marriage हुआ था. तो उस wedding day में मैंने ऐसा ही मेकअप किया था. जो मैंने पिक्चर्स पोस्ट किए थे उसमें 2-3 लोगों ने मुझे लिपस्टिक का शेड, फिर मेकअप लुक्स किया कि नहीं किया करके पूछने लगे थे. मेरे फ्रेंड्स ही थे और कोई नहीं थे. तो फिर मुझे लगा ठीक है, ये मेकअप जो मैंने उस दिन किया था वो रिक्रिएट करूँ. बेस मेकअप तो मेरा लाइट ही है, आई मेकअप में थोड़ा पॉपअप किया हूँ मैं बस. तो या सो एज अ ग्रूम्स मेड दिस इज द अप्रोप्रिएट मेकअप एंड लुक विच आई लव इट. सो या लेट्स बिगिन द वीडियो. This is my bare face and I have already wore this blouse. So let's start with the moisturizer which I really really like. Actually this makeup is a recreation of my own makeup which I did before two and a half months on my cousin's wedding. Actually on that day I didn't shoot any video of makeup because I woke up at 5 a.m. and I got ready at 5:30 a.m. So on that time I didn't shot any video of makeup. I just took a picture after my makeup. On that day the temperature was nearby 48 to 49 degrees Celsius. So I kept my makeup very lightweight because it was a day event. On that day I used this dewy smooth primer. This is from Maybelline Fit Me. Actually it's a great primer for long lasting and for also dewy smooth. And this primer is best for proper base. So इसके बाद मैं apply करूँगी corrector, orange corrector which is must for my skin tone. And I'm having lots of hyperpigmentation. And अभी तो गर्मी start हो गया है तो melanin का secretion कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है मेरे अंदर. तो फिर you can see lots of pigmentation around my face. I am applying this LA Girl Pro Conceal HD Concealer. You will get some annoying sound from my blouse because my arm and my blouse is scratching like this. So the work which is given on this blouse making some noise when I scratch my hand like this. I have done with the orange corrector. आपको भी लग रहा होगा बहुत oily and dewy लग रहा है मेरे face because of primer and moisturizer. Primer is a dewy finish primer. It's okay. Now I'm going to set this face with a loose powder which is from Mars Trend Setting. It has a yellow tint. Actually ये जो powder है ना मैं करीब अभी एक साल से use कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जो भी मेरे skin tone के हैं daily use के लिए कुछ powder चाहिए rather than a talcum powder. So आप ये pick कर सकते हैं. ये भी आपको 2 to 3 months तक आ जाएगा आराम से. डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट लूज पाउडर. वो भी मेरे स्किन टोन जैसे जो भी है उनके लिए तो सही है ये पाउडर. दिस टेक्निक कीप्स योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग. अभी तो मैं बहुत टाइम से यही टेक्निक यूज करती हूँ. करेक्टर लगाने के बाद थोड़ा पाउडर से सेट करती हूँ फेस को. ये सेट करने से पता क्या होता है, ये जो ऑरेंज करेक्टर ना हिलता नहीं कहीं इधर उधर. मीन्स कुछ कुछ ऑरेंज करेक्टर्स होते हैं वो ना थोड़ा हट जाता है, जो कहाँ लगाए वहाँ से हट जाता है. तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं. ये तो हो गया है. अभी मैं फाउंडेशन लगाऊंगी विच इज माई रिसेंट डेज फेवरेट, रिसेंट मंथ्स फेवरेट. Not only recent is favorite, मैं तो अभी एक या दो साल से यही यूज़ कर रही हूँ. मेरा जो शेड है वो कॉफ़ी 14 है. ये ना आजकल मिल ही नहीं रहा, ड्रग स्टोर में तो मिल नहीं रहा, कियोस्क में भी मिल नहीं रहा. पता नहीं क्यों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. जैसे ला रहे हो तो यार हर बार लाओ ना. मैं जाके कियोस्क में जाके जब ट्राई करने जाती हूँ तो वहाँ होता ही नहीं है. जो डार्क शेड्स है वहाँ होता ही नहीं. जब ट्राई करके देखते तभी तो पता चलता है कि हमें लेना है कि नहीं लेना. कियोस्क में भी नहीं है और मॉल के जो अलग स्टोर्स होते हैं वहाँ भी नहीं है. जैसे ड्रग स्टोर है वहां भी नहीं. इनका जो ये ऑनलाइन में भी मिलता है वो भी बहुत रेयर मिलता है, हर बार आउट ऑफ स्टॉक होता है. वैसे तो शेड्स इंडिया में आते नहीं है, आते हैं तो वैसे ट्रायल्स तो होते नहीं है कहीं भी. हमें तो डायरेक्ट परचेस करके ट्रायल करना पड़ रहा है आजकल.
मैं इस बार दिल्ली में तो बहुत सारे मॉल्स में चेक कर लिया था, ये जो कॉफी 14 शेड है ना वो तो मिलता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे शेड 15 के। फिर मैं घर आके नायका में ऑनलाइन परचेसिंग की, डॉटेड ऑल ओवर माई फेस, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड विथ माई ब्यूटी ब्लेंडर। दिस वन इज अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज फ्रॉम गब ब्रांड। एक्चुअली दिस ब्रांड क्रिएट्स ग्रेट स्पंजेस इन अफोर्डेबल प्राइस। आई एम टेकिंग सम मोर प्रोडक्ट एंड जस्ट अप्लाइंग ऑन माई सेंटर ऑफ द फेस एंड आईज एंड ऑन माई माउथ। अगेन आई एम ब्लेंडिंग विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर। ब्लेंड तो मैंने कर लिया है, अब आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ कंसीलर। टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस फाउंडेशन, इट्स फ्रॉम रेवोल्यूशन, इट्स अ कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन ओनली, इट्स इन शेड F12.5। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक एंड ऑल्सो लाइटली लाइट फॉर मी, सो आई एम यूजिंग दिस एज अ कंसीलर टुडे। उस दिन भी मैंने यही यूज किया था कंसीलर के अलावा। अगेन आई एम गोइंग टू ब्लेंड विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर। टुडे आई डिडंट यूज एनी ब्रश टू ब्लेंड। लिटिल बिट ऑन माय पिगमेंटेड एरिया ऑन नेक। नाउ आई एम गोना यूज द सेम लूज पाउडर which is from Mass Trend Setting, this powder, it's in this is how it looks, it gives a yellow tint. So I'm using this damn beauty blender, just placing this beauty blender on this. Now I'm done with the base. Now moving on to eyes. Eyes तो मैंने उसे बहुत simple ही रखा था, the city paradise mask. It's from Delhi variant. So in this palette I'm going to use this Kutab first. ये थोड़ा maroon shade में जो आता है तो फिर ये crease line में मैं पहले use करूँगी, ऐसा दिखता है ये. Let's apply it on crease line. ऊपर की तरफ ही मैंने थोड़ा बहुत अप्लाई किया है। आई एम मूविंग ऑन टू दिस काला खट्टा, द शेड नेम इज काला खट्टा। ये जो शेड ना वो थोड़ा बहुत डार्क वायलेट शेड है, तो फिर ये थोड़ा सा मैं निकालूंगी इसी ब्रश, सेम ब्रश में हल्का सा निकाल के ये जो आउटर कॉर्नर है ना यहाँ यहाँ प्लेस करूंगी। Can you see the differences of upper crease line and this outer V corner? अब जो यहाँ जो place है यहाँ मैं लगाऊंगी कश्मीरी गेट, गेट विच इज लिटिल लाइटर फ्रॉम द प्रीवियस शेड काला खट्टा। सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इसके लिए मैं सेम ब्रश यूज करूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो शेड है वो डार्क है, तो इसके साथ मिलकर थोड़ा सा ब्लेंड होगा वो। मैं ये जो क्रिएट करूँ इसलिए क्रिएट करूँ क्योंकि मेरे पास ये जो लाइलैक शेड है ना ये नहीं है, इसलिए जो मैं डार्क से लाइट में आ रही हूँ, तो फिर देखते हैं आउटकम कैसे आता है। तो फिर अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा शेड लाइट हो रहा है, हल्का हल्का सा। अब मेरे पास जो मैं पहले से बता चुकी हूँ मेरे पास लाइलैक शेड ब्लाउज का जो शेड है वो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं अभी क्या करूंगी, ये जो शेड दिया हुआ है ना इट्स अ शिमर शेड इन दिस पैलेट, द नेम इज सीपी, दैट मींस कॉनॉट प्लेस। सो आई एम टेकिंग दिस शेड इन माय फिंगर, प्लेसिंग ऑन माय लिड, इनर लिड, ओके, जस्ट प्लेसिंग ऑन माय लिड इन द बोथ द साइड
Now it's time to make our lilac shade. I don't even know it's a lilac shade or light purple. कैमरा में कुछ अलग दिख रहा है, सामने कुछ अलग दिख रहा है, सन में कुछ अलग दिख रहा है. तो फिर मुझे पर्टिकुलरली शेड कौन सा कलर है करके मैं अभी जज नहीं कर पा रही हूँ उसको. तो फिर थोड़ा बहुत हल्का से लेकर आएंगे हम आईज में. ओके, अभी मैंने ये शिमर शेड लगाया था ना जो लाइट पिंक है, हाईलाइटर एक्चुअली, इट्स अ हाईलाइटर शिमर शेड. हाँ, अब जो ये दिल्ली हार्ट का जो शेड है, दिल्ली हार्ट का शेड नहीं है, द शेड नेम इज दिल्ली हार्ट. ये ना एक्चुअली इट्स अ पर्पल शिमर शेड. तो फिर मैं इसको हल्का सा लूंगी, ये जो ऑलरेडी शेड लगा है ना मैंने सीपी हाईलाइटर, इसके साथ मर्ज करूंगी. ये जो शेड है इसके साथ मर्ज करूंगी, देखते हैं थोड़ा बहुत रिलेट हो भी रहा है कि नहीं. ओके ओके, नॉट बैड. ओके, नॉट बैड. तो ऐसे मिल चुका है, जस्ट ब्लेंडिंग विद द प्रीवियस शेड. आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, आपके पास हर शेड होने की जरूरत है नहीं. मैं भी यही कहूंगी, आपके पास हर कलर होना जरूरी नहीं है, हर पैलेट. आप जो परचेज करते हो आई शेडो पैलेट, ऐसा देखना कि थोड़ा बहुत कलर्स मैच हो, थोड़ा बहुत कलरफुल हो कि हम हर आउटफिट के लिए मैच कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर कलर हमारे पास होना ही चाहिए, हम उसी को यूज करेंगे, ऐसा नहीं है. आप मिक्स मैच कर सकते हो शेड्स. वैसे कुछ भी नहीं मिल रहा है ना आपको ट्रेडिशनल, जो है ना गोल्डन इज बेस्ट. गोल्डन शिमर एंड ब्राउन आउटर कॉर्नर इज वेरी बेस्ट फॉर ऑल द आउटफिट्स फॉर ट्रेडिशनल. तो वैसे भी आप मिक्स मैच कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज किया है इस आईज के साथ. आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल आई लुक. जो शेड है कश्मीरी गेट, थोड़ा सा लाइटर फ्रॉम काला कटा शेड, टेकिंग इन द सेम ब्रश, अप्लाइंग ऑन माय इनर आईलिड, सॉरी लोअर आईलिड, अप्लाइंग ऑन माय लोअर आईलिड. ऐसे ही ब्लेंड करते रहो. ऊपर भी हमने आउटर कॉर्नर में डार्क शेड लगाया ना, इसलिए मैं यहाँ पे डार्क शेड लगा रही हूँ. आप देख सकते हैं कैसे आउटकम आया है, पूरा भी कम्प्लीट हुआ नहीं. अभी हम आईलाइनर लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे एंड आईलाइनर में कुछ डिफरेंट यूज करेंगे. तो फिर आईलाइनर, फर्स्ट आई थॉट लेट्स अप्लाई दिस आईलाइनर, दिस फ्रॉम कलोसल, मेबलिन कलोसल, बट लेटर आई थॉट ठीक है ये यूज करूंगी. ये थोड़ा जेट ब्लैक भी दिखता है. ओके, विंगी बनाऊंगी. विंग इज माई पर्सनल फेवरेट फॉर ऑल लुक. अभी सेम इस आईज में भी यूज करूंगी मैं. इनर कॉर्नर के लिए अमेजिंग ब्रश, आईलाइनर. तो मैंने विंग आईलाइनर हर टाइम के तरह इस बार भी विंग ही बनाया है. तो फिर इसको विंग को थोड़ा हाइलाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मेटालिक सिल्वर आईलाइनर, ये इस जगह पे. ऐसे तो मैंने बहुत टाइम यूज किया है आउटलाइन, जैसे लगाया है मैंने पहले भी, इस बार भी वैसे लगा रही हूँ, ऐसे देख सकते हो आप. दैट्स इट, ऐसे मैं हाइलाइट करती हूँ. फॉर काजल आल्सो आई एम यूजिंग दिस डैजलर्स जेल आईलाइनर, अप्लाइंग ऑन माय लोअर वाटर लाइन. जो ब्रश में लेफ्ट ओवर है मैं उसी को लगा रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मैंने ब्रश में लिया नहीं है अभी. मस्कारा के लिए हियर आई एम यूजिंग दिस मास्क, ये डबल ट्रबल मस्कारा है. इसमें स्टेप वन स्टेप टू करके दो वॉल्यूम दे रखा है. स्टेप वन में क्या होता है कि जैसे कि हम आईलाइनर लगा रहे हैं नॉर्मली लगाते हैं, स्टेप टू में डेंस वॉल्यूमनेस, दिस विल गिव अ वॉल्यूम टू योर लैशेस. स्टेप वन नहीं करें, डायरेक्टली यूज करें. जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है वो मैं ऐसे स्वैप करूँ उसमें, शेक एंड पुल, दिस विल गिव यू अ सुपर डेंस एंड कर्ली लैशेस एट लोअर वाटर लाइन. देखो डिफरेंस दिख रहे हैं इसमें और इसमें, इसमें कितना डेंस एंड वॉल्यूमनेस दिख रहा है. इस पे ऐसा है नहीं, अभी लगाऊंगी. आई एम गोइंग टू यूज दिस टू कॉम्बो, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड मेनी टाइम्स. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, लाइनर इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, डार्क चॉकलेट L36 शेड इज.
इट्स द बेस्ट प्लानर फॉर ऑल न्यूड शेड्स। आप मेरे स्किन टोन में होंगे तो आप ये लिप लाइनर परचेज कर सकते हैं। ये मतलब 65 to 70 rupees का ही है। तो लिपस्टिक आई एम गोना यूज दिस मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट। द शेड इज NU07, एक्चुअली इट्स अ न्यूड शेड। ये जो शेड है ये मेरे लहंगे के साथ अच्छे से मैच हो गया था, तो फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था ये कौन सा शेड है, तो फिर उसके बाद ही मुझे लगा कि लेट्स रिक्रिएट दिस सेम मेकअप। लिपस्टिक हो गया, अभी ब्लश एंड हाइलाइटर। सो आई एम गोना यूज दिस ब्लश पैलेट फ्रॉम रेवोल्यूशन, यू हैव ऑलरेडी सीन इन माय मेनी वीडियोस। दिस डार्क पिंक शेड, आई एम यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर ऑन द बैक साइड। I think I took a lot of product. Okay, first blend it on my hand. Highlighter के लिए मैं use करूँगी this Master Chrome highlighter from Maybelline. तो ये Master Chrome highlighter it's my favorite highlighter for all the look. ये अच्छे से blend भी होता है, दिखता भी नहीं कि हमने कुछ apply किया है, अच्छे से glow भी होता है ये। Okay. I have done my makeup, my hairdo and the accessories wear करके के मैं आपके पास आऊंगी। Hey guys, this is my actual look. I wore my jewelries and I did my hairdo. You can see this hairdo in my Instagram or YouTube shorts. I uploaded on my YouTube shorts. You can check it out from there. Actually ये जो hairstyle है it's very comfortable. मैं पूरा दिन 12 hours तक मैं वहीं थी, मतलब मंडप में ही थी, तो फिर वहाँ ये एक ही हेयरस्टाइल था, कुछ मुझे अनकंफर्टेबल लगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लॉन्ग टाइम है मैं रुकना हो या फिर आपका आउटफिट ज़्यादा बड़ा हो तो ये हेयरस्टाइल ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि दिखने में भी अच्छा दिखता है, ऊपर से इट्स वेरी कंफर्टेबल। मतलब उस दिन स्वेटिंग भी बहुत था, स्वेटिंग होने के बाद भी मेरा मेकअप जो वो उतरा नहीं, मतलब निकला नहीं, जैसे टिश्यू से मैं उस स्वेट को डैप कर रही थी तब भी ये मेकअप ना निकला नहीं। तो ये मेरा ओवरऑल मेकअप एंड द हेयर डू। Hope you like it. So yeah, let's meet you on next week.